विष्णु सहस्र नाम भगवान श्री हरि के प्रति 1000 पवित्र नाम है। ये सहस्र नाम हमारे पुण्य भूमि में बहुत सालों से प्रचार में है। ये कब शुरू हुआ पूछने से इसकी ठीक प्रकार जवाब नहीं, फिर भी हम जानते हैं 5153 सालों के पहले विष्णु सहस्रनाम का अवतरण हुआ भीष्म पितामह के मुंह से पौत्र युधिष्ठिर के सम्मुख। वो संदर्भ भी बहुत विचित्र है, स्मरणीय है। महाभारत युद्ध 18 दिनों तक अच्छी तरह भली भांति युद्ध हुआ और युद्ध में 45 लाखों के जवान की मरण हुआ। वो मरण स्वाभाविक रूप में नहीं, हर एक सेनानी तो युद्ध भूमि में रणभूमि में आते हैं दूसरे को मार डालने के लिए, नहीं हो तो दूसरे से मार डाला जाने के लिए। सिर्फ मरण नहीं, एक क्षत्रियों का धर्म है। 18 दिन के उपरांत सभी लोग मरने वाले मर गए और सिर्फ 10 ही बचे, और सभी लोगों के लिए जो मर गए उनके लिए उदक क्रिया तर्पण करने के लिए युधिष्ठिर पहले बार हजारों हजारों लाखों लोग स्त्री लोगों को लेकर भागीरथी में उतरे और उदक क्रिया करने के लिए आरंभ होने के पहले उनकी माताजी कुंती देवी ने तुरंत वहां आकर दौड़ दौड़ कर आकर कहा, रे पुत्र तुम सुनो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण के लिए भी तर्पण करना, कर्ण के लिए भी तर्पण करना। इसका अर्थ क्या है? कर्ण युधिष्ठिर के बड़े भाई थे, मर गए हैं, उनका तर्पण करने के लिए और कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारे लिए तुम्हें करना पड़ेगा बताया। पहले बार युधिष्ठिर ने समझा कर्ण अपने बड़े भाई थे। बहुत ही दुख हुआ, इस बात को क्यों मेरी माता ने मुझसे छिपा कर रखा, मैंने तो नहीं जाना। यदि पहले जानता था महाभारत युद्ध भी नहीं होता। इतना बड़ा महापाप करने के लिए कारण मेरे माता के मुंह से इस सत्य को उन्होंने नहीं निकाला। ये क्या करूं, थोड़ा स्त्री लोगों के लिए थोड़ा शाप दिया वो दूसरी बात है। तर्पण करने के उपरांत उन्होंने कहा, मैंने युद्ध में नहीं जीता है, पराजित हुआ है, जीतना नहीं। इतना बड़ा महापाप करने के बाद युद्ध में जय हुई, ये किस प्रकार हम कहें? हम सिंहासन पर नहीं बैठे, शासन नहीं चलाए, हम वन जाए। पहले मैं गया था डाइस प्ले में, पराजित होकर उन्होंने हमको भगाया था। इस बार मैं स्वेच्छा से, इच्छा से, मेरी मांग के अनुसार वन जाकर रहें, फल मूल खाए, मेरी जितना आयु बाकी है सब कुछ तपस्या में लगे रहे। हम शासन नहीं चाहते, राज पदवी नहीं चाहते, सुख भोग नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते, जाए जाए बोलकर रोने लगा। पहले अपने भाई लोगों ने बहुत कोशिश की कुछ न कुछ उपदेश देकर, उसका कोई फल नहीं हुआ। और कृष्ण परमात्मा ने स्वयं कहा, हे कृष्ण परमात्मा ने युद्ध के पहले अर्जुन के मन से संकट भ्रम मोह सब कुछ निकालने के लिए कम से कम 2.5 घंटों तक अच्छा सा उपदेश दिया, जिसका काफ़ी असर भी हुआ था। और उसके पश्चात तो अर्जुन ने युद्ध करने के लिए अर्जुन तैयार हुआ और युद्ध भी हुआ। ऋग्वेद में बताया है यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ शब्द का अर्थ ही महाविष्णु है। महाविष्णु के 1000 नाम हमारी पुण्य भूमि में पहले काल से चालू है। पहले बार इन 1000 नामों के प्रति चर्चा हुई, साक्षात परमेश्वर और पार्वती से समझाया। वो मुझे मैं उसको जानता हूँ, तुम्हारे सम्मुख 1000 नाम हम अवतरण कर दूंगा, तुम उसको अच्छी तरह समझ लो। इन सहस्र नामों का जप करें या अर्चना करें, स्तुति करें, जो कुछ हो उससे अश्वमेध के बराबर पुण्य फल मिलेगा और अनुग्रह भी मिलेगा।
बोलकर बताया। ये घटना तो हुई 5153 years back. This is historically recorded by virtue of references made by some of the accepted writers like Aryabhatta and the others. A lot of research has gone into the subject and our people have clearly specified and found out that it is 5153 years back. आप सोचिए इतने लंबे काल तक ये सहस्रनाम हमारे देश में एक बिंदु भी उसमें नहीं बदला है, एक ह्रस्व दीर्घ नहीं हुआ, एक दीर्घ ह्रस्व भी नहीं हुआ है। पूर्ण रूप में इस धन को हम अभी तक पालन पोषण करके आए हैं। ये सहस्रनाम अभी हमारे देश में चालू है। कितने कितने लोग सहस्रनाम का जप करते हैं। इस बार गत साल में त्रिशूर में हमारे आश्रम के नज़दीक एक विष्णु सहस्रनाम विश्वयज्ञ महोत्सव संपन्न हुआ। अनेक लोग आए थे। उस दिन नैमिषारण्य पुण्यभूमि जहाँ सत्रशाला थी वहाँ 12,000 लोग उपस्थित थे। हमारे पास उतनी जगह भी नहीं इनको संभालने के लिए। इस बार भी हम दूसरा द्वितीय विष्णु सहस्रनाम विश्वयज्ञ महोत्सव करते हैं। दिसंबर 30 को आप सभी के लिए वहाँ आने के लिए निमंत्रण है, सभी आ जाइए। फिर भी आने के पहले दूर से आने वाले हमको खबर दीजिए, हम आते हैं। और हम ये चाहते हैं जगह यदि चाहे तो पूछिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, हमारे आश्रम से थोड़ा संपर्क कीजिए। सभी लोग वहाँ आने के लिए स्वागत है, आ जाइए। ये विष्णु सहस्रनाम इतना बड़ा है, साधारणतया याग करे या दूसरा कुछ पूजा करे, पूजा करने वाले उपाध्याय हो या आचार्य हो पुजारी हो उनको बुलाकर उनके द्वारा तो हम करते हैं। ये ऐसा नहीं, आप स्वयं ही कीजिए, अपनी खुशी के अनुसार, हृदय की प्रेरणा के अनुसार महाविष्णु को बुलाइए अपने सम्मुख उपस्थित होने के लिए। जब तक हम पूजा करते रहेंगे आप ही उपस्थित होंगे मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए। इसी प्रकार खोल कर मांग कर प्रार्थना करके भगवान को बुलाइए, इसका एक बड़ा सा अवसर है। इसमें भाग लेने वाले सभी प्रकारों से अनुग्रहित हैं और इसके द्वारा हमारे समाज की भलाई हो, सद्भाव हो, एकात्मता हो, सभी लोगों का ऐश्वर्य हो, संपत्ति हो, समृद्धि हो, सब कुछ होने के लिए खास संकल्प लेकर तो हम इस विष्णु सहस्रनाम अर्चना। वो किस प्रकार करना है बाकी विषय सब माँ थोड़ा कुछ आपको बोलेंगी, ठीक है। हम अब शुरू करेंगे। गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा नमः पार्वतीपदये हर हर महादेव। स्वामिन् नमस्ते नतलोकबंधो कारुण्य सिंधो पतितं भवाद्धौ मामुद्धरात्मीयकटाक्षदृष्ट्या रज्व्यातिकारुण्य सुधाभिवृष्ट्या। स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते स्वामिन् नमस्ते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने।
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। आज वह परम पावन दिन है जब हम सभी यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं श्री विष्णु भगवान की आराधना में। उनको अर्चना करेंगे और सिर्फ अर्चना ही नहीं, हम उनके लिए हवन करेंगे। और इसका उद्देश्य यही है कि हमारा जो भक्तिमय आकुति है, बुलावा है, उससे वो अपने निवास स्थल वैकुंठ से यहाँ पे पधारे हमारे बीच। उनके पधारने के लिए हमने ये जो यज्ञशाला है उसको बहुत अच्छी तरह सजाया है। कल बहुत भक्तों ने मिलके ये फूलों से, पत्तों से सजा दिए। आप सभी देखेंगे कि आपके सामने जो अर्चना कर रहे हैं उनके सामने एक एक वेदी रखा हुआ है। वेदी को रंगोली से सजाया है। संजय गुप्ता जी और मीनाक्षी, उनकी धर्मपत्नी, स्वामी जी के भक्त हैं और भगवान के भक्त हैं। ब्रह्मांडं खंडयन्ति हरशिरसि जडावल्लिमुल्लासयन्ति त्रैलोक्यादापदन्ति कनकगिरिगुहागण्डशैलास्खलन्ति क्षोणीपृष्ठे लुठन्ति दुरितजयजमूनिर्भरं भर्सयन्ति पादोधिं पूरयन्ति सुरनगरसरित्पावनीनपुनादु पादोधिं पूरयन्ति सुरनगरसरित्पावनीनपुनादु पादिनचन्द्रतारकं नेमाविद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः। हरिः ओम्। हरिः ओम्। अस्माकम् अस्माकम् उपात्ता उपात्ता समस्त समस्त दुरितक्षयद्वारा दुरितक्षयद्वारा श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थम् श्रीमहाविष्णुप्रीत्यर्थम् तदेव लग्नम् तदेव लग्नम् सुदिनं तदेव सुदिनं तदेव ताराबलम् ताराबलम् चन्द्रबलम् तदेव चन्द्रबलम् तदेव विद्याबलम् विद्याबलम् दैवबलम् तदेव दैवबलम् तदेव श्रीलक्ष्मीपतेः श्रीलक्ष्मीपते अङ्घ्रियुगम् अङ्घ्रियुगम् स्मरामः स्मरामः अपवित्रः अपवित्रः पवित्रो वा पवित्रो वा सर्वावस्थां सर्वावस्थां गतोऽपि वा गतोऽपि वा यस्मरेद् यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षम् पुण्डरीकाक्षम् सः सः बाह्याभ्यन्तरशुचिः बाह्याभ्यन्तरशुचिः मानसम् मानसम् वाचिकम् वाचिकम् पापम् पापम् कर्मणा
समुपार्जितम् समुपार्जितम् श्रीविष्णुस्मरणेनैव श्रीविष्णुस्मरणेनैव। पहले हाथ कर जोर कीजिए, आंखें बंद करके ध्यान सुन लीजिए, उसके बाद एक एक मंत्र का उच्चारण होगा। धन्वत् प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैगते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकमणिनिभैः मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचितैः मुक्तपीयूषवर्षैः आनन्दीनः पुनीयादरिनलिलगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूःपादौ यस्य नाभिर्वियदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे कर्णावाशाशिरोद्यौर्मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः अन्धस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगगो भोगि गन्धर्वदैत्यैः चित्रं रं रम्यतेदं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमीशं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सशङ्खचक्रं सगिरीडकुण्डलं सबीदवस्त्रं सरसीरुभेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्यामम् आयताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणीसत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ अव्ययाय नमः। ॐ पुरुषाय नमः। ॐ पुरुषाय नमः। ॐ साक्षिणे नमः। ॐ साक्षिणे नमः। ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः। ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः। ॐ अक्षराय नमः। ॐ अक्षराय नमः। ॐ योगाय नमः। ॐ योगाय नमः। ॐ योगविदां नेत्रे नमः। ॐ योगविदां नेत्रे नमः। ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः। ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः। ॐ नारसिंहवपुषे नमः। ॐ नारसिंहवपुषे नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ सर्वस्मै नमः। ॐ सर्वस्मै नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ शिवाय नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ स्थाणवे नमः। ॐ भूतादये नमः। ॐ भूतादये नमः। ॐ निधये अव्ययाय नमः। ॐ निधये अव्ययाय नमः। ॐ संभवाय नमः। ॐ संभवाय नमः। ॐ भावनाय नमः। ॐ भावनाय नमः। ॐ भर्त्रे नमः। ॐ भर्त्रे नमः। ॐ प्रभवाय नमः। ॐ प्रभवाय नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ प्रभवे नमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ ईश्वराय नमः। ॐ स्वयंभुवे नमः। ॐ स्वयंभुवे नमः। ॐ शंभवे नमः। ॐ शंभवे नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ पुष्कराक्षाय नमः। ॐ पुष्कराक्षाय नमः। ॐ महास्वनाय नमः। ॐ महास्वनाय नमः। ॐ अनादिनिधनाय नमः। ॐ अना
नारायणाय नमः। ॐ धात्रे नमः। ॐ धात्रे नमः। ॐ विधात्रे नमः। ॐ विधात्रे नमः। ॐ धातुरुत्तमाय नमः। ॐ धातुरुत्तमाय नमः। ॐ अप्रमेयाय नमः। ॐ अप्रमेयाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ अमरप्रभवे नमः। ॐ अमरप्रभवे नमः। ॐ विश्वकर्मणे नमः। ॐ विश्वकर्मणे नमः। ॐ मनवे नमः। ॐ मनवे नमः। ॐ कष्ट्रे नमः। ॐ कष्ट्रे नमः। ॐ समिष्ठाय नमः। ॐ स्थविष्ठाय नमः। ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः। ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः। ॐ अग्राह्याय नमः। ॐ अग्राह्याय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ शाश्वताय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ लोहिताक्षाय नमः। ॐ लोहिताक्षाय नमः। ॐ प्रकर्दनाय नमः। ॐ प्रकर्दनाय नमः। ॐ प्रभूताय नमः। ॐ प्रभूताय नमः। ॐ मृगगुब्धाम्ने नमः। ॐ मृगगुब्धाम्ने नमः। ॐ पवित्राय नमः। ॐ पवित्राय नमः। ॐ मंगलाय परस्मै नमः। ॐ मंगलाय परस्मै नमः। ॐ ईशानाय नमः। ॐ ईशानाय नमः। ॐ प्राणदाय नमः। ॐ प्राणदाय नमः। ॐ प्राणाय नमः। ॐ प्राणाय नमः। ॐ पूर्णमदः। ॐ पूर्णमदः। पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेव पूर्णमेव अवशिष्यते। अवशिष्यते। आकाशात् पतितं तोयम्। आकाशात् पतितं तोयम्। यथा गच्छति सागरम्। यथा गच्छति सागरम्। यज्ञयागाखिलं सर्वम्। यज्ञयागाखिलं सर्वम्। विष्णुमेवाभिगच्छति। विष्णुमेवाभिगच्छति। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामेन पुनर्भवाय। कृष्णव्रताः कृष्णमनुस्मरन्तो रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय। ते कृष्णदेहाः प्रविशन्ति कृष्णम् आज्यं यथा मन्त्रहुतं हुताशे। कृष्णव्रताः कृष्णमनुस्मरन्तु रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताय। ते कृष्णदेहाः प्रविशन्ति कृष्णम् आज्यं यथा मन्त्रहुतं हुताशे। भगवद्गीता नामक उपदेश हुआ रणभूमि में और युद्ध आरंभ होने के पहले हुआ। अर्जुन 13 सालों की तैयारी के बाद भी जब कुरुक्षेत्र में आ पहुँचे युद्ध नहीं कर पाया। बिल्कुल दुर्बल हो गए, भ्रम मोहित हो गए। अर्जुन को उस मोह अवस्था से उतारने के लिए
श्री कृष्ण ने भगवद्गीता नामक उपदेश दिया। ये उपदेश बिल्कुल सोचिए मत वो एक धार्मिक उपदेश है, ऐसा नहीं है। संपर्कात्मक हम बोलते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो बोलते हैं, मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गॉस्पल है। शासन करने वाले को, शासन का मतलब क्या है, वो ठीक प्रकार करने के लिए, करवाने के लिए, आत्मबल कमाने के लिए ही, उत्पन्न करने के लिए ही उपदेश दिया है। उस उपदेश के आखिर अध्याय में श्री कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, लगातार मानव जीवन में, मानव जीवन सुंदर बनने के लिए, सार्थक बनने के लिए, समाज की ओर से फलदायक होने के लिए यज्ञ, दान और तपस तीनों की आवश्यकता है। हमारे धर्म के अनुसार तीन ही हमारा मूल्य है, मतलब है। एक है यज्ञ, दूसरा है दान, तीसरा है तपस। यज्ञ क्या है? अपने लिए नहीं, प्रकृति या प्रकृति का अध्यक्ष जो भगवान है उनके लिए जो सोचकर जो कुछ काम करते हैं वो सब यज्ञ हो जाता है। फिर भी कृष्ण परमात्मा ने भगवद्गीता में समझाया, यज्ञ शब्द का अर्थ इतना संकुचित सीमित नहीं है, वो बहुत विशाल है। अपने काम में, अपने जीवन में संग, संग शब्द क्या है, अटैचमेंट न रख कर जो कोई काम किया जा रहा है सारा कुछ यज्ञ बनता है। आप मुझे बोलिए, हम जिस प्रकार के नागरिक, किस प्रकार के नागरिक को चाहते हैं? स्वार्थी नागरिक, सो अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति मात्र सोचने वाले वे भले हैं, या समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, दुनिया के प्रति, सारे विश्व के प्रति अपना जीवन उपयुक्त हो जाए, इस प्रकार सोचने वाले अच्छे हैं? कौन अच्छे हैं? यदि आप मानेंगे स्वार्थता को कम करके, अपनापन को छोड़कर समाज के लिए, प्रगति के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए काम करने वाले भले हैं, उससे नागरिक की उन्नति होगी, यदि आप सोचते हैं, तब यत्न ही उसका मार्ग, दूसरा नहीं है। मानव राशि जब तक दुनिया में रहेगी तब तक ये यत्न, दान और तपस, ये तीनों की आवश्यकता है। आप सुनिए मैं बोलता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री रिसेंटली अमेरिका गए, यहाँ बहुत प्रधानमंत्री हुए पहले, कोई एक प्रधानमंत्री तपस्या लेकर अमेरिका कभी गए है क्या? अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको निमंत्रण देकर बुलाया, वहाँ जाकर बहुत बड़ा सा डिनर बनाया था, तैयारी किया था। तब उसके बाद उन्होंने क्या किया, थोड़ा नींबू पानी खा कर सब कुछ प्रोग्राम चलाया। मैंने सुना है कम से कम 50 तक प्रोग्राम था। सभी प्रोग्राम में वे लोग अच्छी तरह भाषण दिया, सब कुछ तो किया है, फिर भी तपस्या करके उपवास लेकर गए। इस उपवास की महत्ता कितना है आप सोचिए। हमको लगता है सारी दुनिया समझ लिया है, अरे भारत एक तपस्या की भूमि है, यहाँ अनुष्ठान करने वाले, तपस्या करने वाले, उपवास लेने वाले काफ़ी है। उपवास लेने से क्या होगा, भूख तो थोड़ी लगेगी, फिर भी शरीर में काफ़ी शक्ति है एक हफ्ता तक रहने के लिए। सभी प्रोग्राम तो चलाया इस प्रकार, कोई एक प्रधानमंत्री पहले गए हैं, हमको लगता है उनके जाने के द्वारा हमारे राष्ट्र की महत्ता और आदर बहुत कुछ बढ़े। ये तपस्या तो आवश्यक है, तपस्या करने से हम एकादशी पर तपस्या लेते हैं, इसका अर्थ क्या है, हमारी आत्मबल तो बढ़ता है। रोज़ 4 बार खाने वाले 2 बार या 3 बार खाना छोड़ देने से आत्मशक्ति से ही हम छोड़ सकते हैं, दूसरे से नहीं छोड़ सकेंगे। इसीलिए आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए तपस्या आवश्यक है, दूसरों की सहायता के लिए दान आवश्यक है, और सद्भाव, सरल भाव, दिव्य भाव उत्पन्न करने के लिए यज्ञ भी आवश्यक है। यज्ञ, दान और तपस्या, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, ये श्री कृष्ण का कहना है। यज्ञ, दान और तपस, ये तीनों ही यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, बुद्धिमान लोगों के लिए भी ये बहुत उपयुक्त है, अपने को पवित्र और शुद्ध बनाने वाले हैं।